मन के साथ ढेर सारे सपने, आराम भरा रोजगार या फिर अपना कारोबार, एक बड़ा सा बंगला, एक शानदार कार, खर्च भी कम ना हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते रहे, पर सिर्फ सपने देखने से तो कुछ होगा नहीं। अरे भैया, इतनी तरक्की चाहिए तो रहिए उनके साथ जो बोलते हैं तरक्की से जुड़ी बात। CNBC आवाज, तरक्की की भाषा। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की। और ब्रेक पर जाने से पहले विजय जैन, जो कि ऑरा के सीईओ हैं, उन्होंने आपको बताया कि आप तीन तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। पहला मौका तो आपके पास यही है कि आप खुद का ज्वेलरी स्टोर न खोलें। अगर आप छोटी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ज्वेलरी स्टोर्स के लिए डिजाइन दे सकते हैं, आप उनके लिए लोग सप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम आप करेंगे। ये हुआ एंसिलियरी कारोबार, ये सबसे चीप रहेगा। उसके अलावा है बैकएंड, जहां पर आप ज्वेलरी बनाते हैं और ऑरा जैसे, तनिष्क जैसे प्लेयर्स को आप वो ज्वेलरी बेचते हैं। और एक हुआ फ्रंट एंड, जहां पर आपका खुद का अपना स्टोर होगा। अब हम इस अजम्पशन के साथ जा रहे हैं कि आप अपना खुद का ज्वेलरी स्टोर खोलना चाहते हैं, तो वो कैसे आप खोलेंगे ये अब हमें विजय बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए विजय कि अगर मेरा अपना ज्वेलरी स्टोर है तो ये ज्वेलरी आती कहां से है? ये ज्वेलरी दो जगह से आ सकती है। आजकल B2B काफी सप्लायर्स हैं जो रेडीमेड ज्वेलरी बेच सकते हैं और उनसे आप खरीद सकते हैं। अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, आपके पास अगर डिजाइनर्स हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं। जैसे आप डायमंड्स यू कैन बाय फ्रॉम लार्ज प्लेयर्स, बॉम्बे में है, बॉम्बे सबसे बड़ा मार्केट है डायमंड्स के लिए। गोल्ड आप बुलियन ट्रेडर से या आप बैंक से ले सकते हैं और ये कारीगरों को आप देके ये बनवा सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आइदर ट्रेडेड या आप खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। ओके, अब ये बताइए कि क्योंकि ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब चीजें आप अपने पास रख रहे हैं, ये आपका इन्वेंटोरी है, इस इन्वेंटोरी को मैनेज कैसे किया जाता है? क्योंकि मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट होगा। जी, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल में जाता है और इन्वेंटरी की बहुत ही महत्व रहती है इस बिजनेस में। और कंट्रोल दो तरह के हैं, एक तो है आपका अकाउंट कीपिंग, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफी है। क्योंकि एक डायमंड ज्वेलरी पीस में अगर हो सकता है आपका 1 सेंट का भी डायमंड हो, आधे सेंट का भी हो और 10 सेंट का भी हो, तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनीज जैसे ऑरा और तनिष्क के तो बहुत इलैबोरेट सिस्टम्स हैं, लेकिन आज आमतौर पर अगर देखा जाए तो काफी सॉफ्टवेयर है जिससे आप बुक कीपिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्टॉक टेकिंग रोज करें, क्योंकि अगर आपका कपड़ों का कारोबार है तो अगर आप साल में या महीने में एक बार भी करें तो चलेगा, लेकिन ज्वेलरी में ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि आपके मार्जिन्स बहुत कम है। मार्जिन्स जनरली कितने होते हैं? अगर आप देखिए तो गोल्ड में 10-15% रहते हैं, अगर आप बुलियन में देखिएगा तो 2% भी रहते हैं और डायमंड में लगभग 20-25% के मार्जिन रहते हैं। तो जो आमतौर पर अगर रिटेल पे जो देखते हैं कि 3% श्रिंकेज है, वो अगर इस धंधे में आ जाएगा तो आपका काम प्रॉफिट से लॉस में जा सकता है। आपने कहा कि इन्वेंटरी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, रोज रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए, और जाहिर तौर पर अगर एक भी आपका ज्वेलरी पीस खो गया तो फिर काफी खराब। और इसीलिए रेफरेंस से लोग लाने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। और आजकल इंश्योरेंस भी मिलते हैं अगर आप चाहिए तो, मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलते हैं और फिड्यूशरी इंश्योरेंस भी मिलता है, जिससे अगर आपका कोई एम्प्लॉई अगर उसको लेके चला जाता है तो उसकी भी कवरेज मिल सकती है। तो इंश्योरेंस लेना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जी ओके, इंश्योरेंस लेना ना भूले। अच्छा, ये बताइए कि एक ज्वेलरी स्टोर खोलने के वक्त लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या लोकेशन के ऑप्शंस होते हैं जनरली? अगर आप देखिए तो शायद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण लोकेशन है, और ज्यादातर हमने देखा है कि जहां पे बाकी ज्वेलर्स है अगर वहां पे आप जगह लीजिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीपल आर ऑलरेडी कमिंग देयर, लोग वहां पे आ रहे हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए। और हमने ये अक्सर देखा है कि लोग बहुत संकोच करते हैं एक नए ज्वेलरी शोरूम में जाने के लिए, तो अगर आप मेन मार्केट से अलग रहेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है वॉक-इन्स लाने में। तो लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप रेंट पे भी ले सकते हैं और अगर आपके पास अगर पूंजी है तो आप खरीद भी सकते हैं। ओके, ये बताइए कि
फाइनेंसिस की क्या स्थिति होती है इस कारोबार में? क्या आप अगर कारोबार शुरू कर रहे हैं तो कोई मदद मिलती है? क्या बैंक्स बहुत फेवरेबली आपको कंसिडर करते हैं फाइनेंस करते हुए? अगर आप देखिए तो वर्किंग कैपिटल बहुत ही हाई है। अगर आप छोटे पैमाने में भी चालू करना चाहिएगा तो 4 या 5 करोड़ रुपए की लागत लग सकती है, क्योंकि आप गोल्ड रखेगा, डायमंड्स रखेगा। और इस बेसिस पे इसमें 2 मुख्य सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग के। अगर आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं तो आमतौर बाकी जैसे ट्रेडर्स हैं वो आपको काफ़ी लंबी क्रेडिट देते हैं, 3 से 6 महीने तक की डायमंड पे, और गोल्ड तो ज़्यादातर कैश बेसिस पे ही होता है। और आजकल बैंक्स भी इसको फाइनेंस करने शुरू कर दी है, तो अप टू 75% वर्किंग कैपिटल आज आपको मिल सकता है। चलिए विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए, सभी टिप्स देने के लिए। और उम्मीद है कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप हमें खत लिख के जरूर बताएंगे कि आपने भी अपना ज्वेलरी का कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा है। शुरू ना भी करें, अगर सोचा भी है तो भी हमें जरूर बताएं। smallbiz@network18online.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके मन में इससे पूरी चर्चा के बाद, इस एपिसोड के बाद कोई भी सवाल उठ रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपने एक आइडिया को बिजनेस में बदल दिया। पेश है एक आइडिया जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाए।